उनकी पत्नी भाग करके सहेलियों के पास में पहुंची, मैं तो चली जाऊंगी, कहां चली जाऊंगी, मुझे लेने वाले आ गए, लेने वाले आ गए और बुलाने वाले आ गए, लेने वाले आ गए, निभाने वाले आ गए, दम 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 दमा दिल वाले वाले आ गए, शब्दों में वो लड़की अपनी सहेलियों में बैठ करके कह रही है, बहना मैं तो कल ससुराल चली जाऊंगी, मैंने सुना है रास्ते में किसी ने बताया है वो आ रहे हैं, और भाग करके दरवाजे पे पहुंची भक्तों, और जब दरवाजे पे पहुंची है अपने पिया को आता देख करके खड़ी हो गई, और जैसे ही महाराज त्रिशंकु के सामने पहुंचे, त्रिशंकु महाराज कहने लगे दूर हो जा हम तुझे आंखों से नहीं देखना चाहते, अरे चली जाना। मैंने क्या कहा, मैं ये कह रहा हूं तू मेरी आंखों के सामने से हट जा, मैं तुझे देखना नहीं चाहता। क्यों मैं इतनी बुरी लगी उठी हूं तुम्हें? अरे इसका मतलब ये नहीं है, मैं बताने के लिए जा रहा हूं, आप रुक जाओ अभी अंदर चली जाओ, मेरे सामने मत पड़ो। अच्छा, रानी बोली ऐसी क्या बात हो गई, काऊ की दुल्हे ने इस चीज को स्वीकार नहीं करेगी कि पति ये कहे हम तुझे आंखों से देखना नहीं चाहते। सारी बात बताई महाराज त्रिशंकु ने, प्यारी हमें गैया का श्राप है, अगर हम तुम्हारे चेहरे को देखेंगे तो हम गधा का रूप ले लेंगे, हमने ज्यादा विनती गाय से की थी तो गाय ने हमें पुनः वरदान दिया था कि कोई पतिव्रता स्त्री हमारे ऊपर एक लोटा जल का छोड़ देगी तो हम पुनः मनुष्य रूप धारण कर लेंगे। और रानी तुम तो पतिव्रता हो, अगर हम गधा बन जाए गर्दभ बन जाए तो तुम एक काम करियो, नहाए धोए के और स्वच्छ पात्र में स्वच्छ जल लेकर के हमारे ऊपर डाल देना, जब हम गधा बन जाए हम दोबारा से राजा बन जाएंगे, इतना काम तो कर सकती हो। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन काम वह स्त्री कर पाएगी जो स्त्री पतिव्रता होगी, और रानी तुम तो पतिव्रता हो। अच्छा, तुम्हें ना मालूम पतिव्रता है कना? नहीं, हमें विश्वास है तुम पतिव्रता। तो बस मैं पतिव्रता हूं, तो फिर चले। बिल्कुल, तुम पतिव्रता हो। हाँ। मुझे विश्वास है, तो बस मैं पतिव्रता हूं। आज जिस समय ये बात कही है सोई दुल्हन ने महाराज त्रिशंकु को,